नमस्ते दोस्तों, आज आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस मंच में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में, और आज ये पूरी शाम हमारे गुरुजी श्री पंडित शिरोमणि प्रभाकर ढाकड़े जी के नाम समर्पित है। और मुझे ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये उपलक्ष दिया गया है। ये मुझे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं उनके कुछ गीत आप लोगों के सामने रचनाएं पेश करूं। वैसे तो उन्होंने इतने अनगिनत मोतियां पिरो के दिए हैं हम लोगों को कि एक प्रोग्राम में या एक गुरु पूर्णिमा में वो कभी भी खत्म हो नहीं सकता। तो इनका कारवां चलता रहेगा और ये हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद ये जो देकर गए हैं गुरु जी हम लोगों को, वो कभी भी खत्म ना होने वाली एक सागर है। तो मैं आज दो गीत पेश करूंगी। एक गीत छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे कि उनकी रचनाएं कितनी अनमोल और कितनी निराली होती थी, जो मतलब कोई भी मतलब सुनकर वो गुनगुनाने की भी कोशिश करेंगे, विभोर हो जाते थे। तो एक गीत उनका मैंने, एक ही नहीं उनके कई गीत मैंने गाए हैं अपने जीवन काल में। तो नागपुर आकाशवाणी में ये रिकॉर्डिंग हुआ था, तो मैं आज उसका एक छोटा सा आपको पार्ट गाकर सुनाऊंगी कि किस तरह के वो कंपोजिशंस देते थे या करते थे। और सच में मतलब काबिले तारीफ है, ऐसे ये गुरुजी ही कर सकते थे हमारे, और किसी की ये बस की बात नहीं। तो ये एक गाना है जो मैंने रेडियो में गाया था, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है, आप सुनिए। और एक बात बता दीजिए कि उनकी ज्यादातर जो रचनाएं के बारे में मैं कहना भूल गई, मेरे बेटर हाफ डॉक्टर शोभित चटर्जी, ये भी कुछ बात गुरुजी के बारे में बताएं। मेरा जो उनसे मुलाकात हुआ है कहीं अवसर में हुआ है, जब हम नागपुर गए हैं। एक बात रूमी जी बताने के लिए भूल गई थी कि गुरुजी वाज अ वेरी प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर। उनके ज्यादातर रचनाएं वायलिन को कहा जाता है, इज द किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो वायलिन के जरिए उनके जो रचनाएं ये क्रिएटेड, ज्यादातर दे बेसिकली हैड टच द सोल। तो सिर्फ कानों को नहीं पहुंचा है ये गाने, एकदम हृदय तक पहुंच गया है। आज वो अमर है वो नहीं है, लेकिन उनके रचनाएं अमर है और अमर रहेगा। और उनका जो ये वो एक बरगद की पेड़ की तरह थे, उनके ब्लेसिंग्स और उनकी जो शाखाएं हैं वो हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विदेश में उनकी शाखाएं फैली हुई है। उनके स्टूडेंट्स, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो शीर्षक, उनके जो शीर्षक हैं, सब लोग फैले हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में और विदेश में। तो हम सब लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने हमको इतना अच्छा अपने स्वरों का इतना राह दिखाया है और हमको प्रोत्साहित किया है और हमको अपना आशीर्वाद से नवाजा है। Yeah.
द बेस्ट कंपोजिशंस में से एक है। इस गाने को हमारे बहुत मशहूर प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी गाया है अपने एल्बम में। तो इसका गणेश जी के ऊपर, गणेश जी को समर्पित है, हमारे अष्टविनायक के ऊपर ये बनाया गया है, भजन है और यमन राग पर आधारित है। तो थोड़ा पेश कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आए।